नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ हसन आसिफ, एक बार फिर से हाजिर हूँ लखनऊ हज़रतगंज में मौजूद कदम रसूल, एक मोतबर प्लेस, एक मोतबर जगह जिसे 18वीं सदी में नवाबी ने अवध ने ही क़ायम किया था और जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी तोपों के ज़रिए मुनहदिम कर दिया था। आज हमने फिर इसी के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू किया है और ये मेरी मुसलसल एक के बाद एक क्लिप शाया होती रहती है इंटरनेट के ज़रिए। पिछले साल भी हम लोग आए थे और यहाँ पर हम लोगों ने आके एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया था। ये वही नाना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदफन है, ये वही जगह है जहाँ पे कदम रसूल है, ये वही जगह है जिन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पूरी कायनात, पूरी दुनिया जानती है। और आज हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिस तरीके से एक साल कैद रहने के बाद जब असीरान करबला का काफिला वापस मदीने पहुँचा और आपने वहाँ पहुँच कर नाना की कब्र मुताहर पर सबसे पहले क्रिया किया था, यानी उसमें इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम भी थे, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, सभी ख़वातीन थीं जो लोग करबला में बच गए थे, उन्हीं के ही ज़रिए और जो हमारे सामने अशिया मौजूद हैं मुहर्रम में, जिनको हम इमाम बाड़े की शक्ल में जानते हैं, जो मजलिसें हैं वो इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की देन है। और जिस तरीके से आप सब पहुँचे थे और आपने क्रिया किया था, मजलिस अज़ा बरपा हुई थी, मैं चाहता हूँ कि मुहर्रम ख़त्म भी हो जाए उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर आएँ और नाना को नवासे के पुरसे के उन्वान से यहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हुसैन इस्लाम का पुरसा दें। और आज हम वही यहाँ पर इमाम हुसैन इस्लाम का पुरसा पेश करने के लिए आए हैं, कदम रसूल हज़रतगंज यूपी लखनऊ। खुदा हाफिज़।